गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यूर वेलकम ऑन माई चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस चैनल पर प्रिपरेशन कराई जा रही है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, फिर चाहे वो UGC NTA NET का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि TGT PGT या GIC का एग्ज़ाम। तो बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि आप स्टडी तो काफ़ी कर चुके होंगे लिटरेचर में, लेकिन अब ज़रूरी है कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ताकि हम राइट ऑप्शन पर जब अपना टिक मार्क करें तो उस टाइम कन्फ्यूज़न से बचें। तो बेहतर होगा कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। चलिए, आज मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म्स इज़ करेक्ट इन इट्स एक्सप्लीकेशन। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो नीचे दिया गया उनमें से कौन सा एक पेयर है जो करेक्ट टर्म को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का पेयर सिस्टम साउंड सिस्टम है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपको ये टर्म हमेशा के लिए याद रहे कि व्हाट इज़ द फोनोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ द फोनोलॉजी। फोनोलॉजी द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री स्पीच साउंड। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज़ द साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। मीन्स वो कह रहा है कि जो हमारी एलिमेंट्री स्पीच साउंड की जो स्टडी की जाती है फोनोलॉजी में की जाती है। ये एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है और इसके अंदर ह्यूमन स्पीच के साउंड को स्टडी किया जाता है। इज़ दैट क्लियर। चलिए, ये फोनोलॉजी है और ये साउंड सिस्टम से रिलेटेड है। बस इतना आप अगर याद रख लेंगे तो वहाँ ऑप्शन पर जब आप अपने राइट ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एलियट्स लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन अमंग द परएम्बुलेटिंग वुमेन। पूछा जा रहा है आपसे कि एलियट की जो पोयम थी लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, मैं उम्मीद करती हूँ ये पोयम आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी और सब जानते होंगे, BA के सिलेबस में ये पोयम है, काफ़ी मतलब लॉन्ग पोयम है अगर इसको हम देखें तो। इसमें जो आपसे पूछा गया है वो है कि हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन अमंग द पैराम्बुलेटिंग वूमेन। तो वो है माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो के बारे में ये पोयम है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक इज़ द फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोयम बाय अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट TS एलियट। ये पोयम लिखी गई पहली बार पब्लिश्ड हुई, ये पोयम जब पहली बार पब्लिश्ड हुई और ये पोयम लिखी गई तो वो थे अमेरिका में पैदा हुए हमारे ब्रिटिश पोएट TS एलियट। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1915। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक कब पब्लिश्ड होती है, 1915 में। माइकल एंजिलो इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन एमंग द पैरा एम्बुलेटिंग वूमेन। माइकल एंजिलो ही इसका एक कन्वर्सेशन में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था, विषय था। अगर हम लेडीज़ के जो उसमें मतलब बार बार जो प्रूफ रॉक है वो बात करते हैं तो प्री एम्बुलेटिंग वूमेन के बारे में कन्वर्सेशन जब करते हैं तो वो है माइकल एंजिलो। इन द रूम द वूमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजिलो। समझ में आया? तो वो क्या मतलब उसमें कन्वर्सेशन किसके साथ हो रहा है, माइकल एंजिलो के साथ में। इस तरह से ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, माइकल एंजिलो। नेक्स्ट है आपके पास, ये ऑप्शन दिया है और इसमें आपको देखना है कि नॉवलिस्ट और उनका पब्लिकेशन, यानी कौन से नॉवल पब्लिश हुए और किस राइटर के हैं या कौन से वो नॉवलिस्ट हैं जिनका ये वर्क है। पहला है हमारे पास लॉरेंस स्टर्न रॉबर्ट डॉट्सली। सेकंड इज़ द हेनरी फील्डिंग का एंड्रयू मिलर। देखिए पब्लिशर के साथ मैच है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये मैं इसीलिए मैचिंग में आपसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करती कि सीधा आंसर पे जाइए ताकि आपका टाइम स्पेंड होने से बचे, और अगर आप अपना टाइम सेव करते हैं तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं कम टाइम में ही, इसलिए आप आंसर पर ही ध्यान दीजिए। इसमें देखिए सी ऑप्शन इज़ द राइट, और इसी में दिया हुआ कि नॉवलिस्ट विद द पब्लिशर, मीन्स नॉवलिस्ट का रिलेशन आपको बनाना है, बताना है उसके पब्लिशर के साथ में। आजकल आप जानते हैं बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं UGC NTA NET में, अब उतना ईजिली उतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जितना कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर हम देखें 2018 से पहले काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन 2018 के बाद बहुत टफ और बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसी तरह से डीप स्टडी करनी होगी। चलिए इसको देखते हैं हम अपने नॉवलिस्ट एंड विद द पब्लिशर। लॉरेंस स्टर्न का रिलेशन रॉबर्ट डॉट्सली से है, हेनरी फील्डिंग का एंड्रयू मिलर से है,
एंड फ्रांसिस बर्नी का थॉमस लॉन्डेस से है, ये इनके पब्लिशर थे, और डैनियल डिफो के विलियम टेलर है। डैनियल डिफो का ज़्यादा याद रखिएगा, ज़्यादातर पूछा जाता है। डैनियल डिफो, विलियम टेलर, फ्रांसिस बर्नी, थॉमस लॉन्डेस, हेनरी फील्डिंग, एंड्रयू मिलर एंड लॉरेंस स्टर्न, रॉबर्ट डॉट्सली, ए बी सी डी। और अगर हम ऐसे देखें तो लॉरेंस स्टर्न का फर्स्ट मतलब थॉमस लॉन्डेस से करेंगे आप रिलेशन, हेनरी फील्डिंग का बी यानी एंड्रयू मिलर से करेंगे, फ्रांसिस बर्नी का सी मीन्स विलियम टेलर से करेंगे, एंड डैनियल डिफो का रॉबर्ट डॉट्सली से करेंगे, डैनियल डिफो का सॉरी विलियम टेलर से करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्टली मैच द नॉवलिस्ट विद द पब्लिशर, करेक्ट मैच करना है आपको अपने नॉवलिस्ट का उसके पब्लिशर के साथ में। ये तो आप जानते हैं कि UGC NTA NET अब सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछता, बल्कि वो काफ़ी टफ क्वेश्चन अब हमारे सामने मतलब जो है एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं और हम फेस करते हैं काफ़ी टफ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को। तो बेहतर होगा कि आप डीपली स्टडी करें और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे आपको थोड़ा सा डीप जाने की भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपका जो ऑप्शन है वो कहीं से भी रॉन्ग ना हो और आप सही ऑप्शन पर टिक मार्क करें। पब्लिशर और नॉवलिस्ट का हमें रिलेशन बनाना है, तो नॉवलिस्ट हमारे पास लॉरेंस स्टर्न, लॉरेंस स्टर्न का रिलेशन रॉबर्ट डॉट्सली से है, हेनरी फील्डिंग एंड्रयू मिलर से है, फ्रांसिस बर्नी थॉमस लॉन्डेस से है, एंड डैनियल डिफो विलियम टेलर से है। ठीक है, इस तरह से आप ये सामने जो मैचिंग हुआ हुआ है ये एकदम राइट है, इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे लॉरेंस स्टर्न है तो रॉबर्ट डॉट्सली, हेनरी फील्डिंग एंड्रयू मिलर, फ्रांसिस बर्नी एंड द थॉमस लॉन्डेस, डैनियल डिफो विलियम टेलर, इज दैट क्लियर। इस तरह से करके आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है अब, विच टू टाइटल्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग डील विद इशूज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन से दो टाइटल हैं इसके बीच में से जो कि डील करते थे उस ज़माने के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश के पोस्ट मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की एज से पहले के, पूछा गया है आपसे। तो वो हैं आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड द प्रोवोकेशन, इसे ध्यान रखिएगा, ये आपके पास दो हैं, प्रोवोकेशन एंड थर्ड इज़ द दलाई ऑफ द लैंड, टू ऑप्शन इसमें आपके राइट हैं फर्स्ट एंड थर्ड। और जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज़ द रॉन्ग, और बाकी फोर्थ ऑप्शन इज़ द रॉन्ग, इज दैट क्लियर। फर्स्ट एंड थर्ड मतलब प्रोवोकेशंस एंड द लाई ऑफ द लैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें ये। प्रोवोकेशन एंड द लाई ऑफ द लैंड आर टू, प्रोवोकेशन एंड द लाई ऑफ द लैंड आर टू टाइटल्स दैट डील विद इश्यूज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, इज दैट क्लियर। यही वो दो ऐसे हमारे पास टू टाइटल्स थे जो कि डील करते थे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले हमारे इंग्लिश के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग ही है, लेकिन इसमें हमें देखना है कि कैरेक्टर और नॉवेल, नॉवेल किस नॉवेल से कौन से कैरेक्टर हमारे मैच करेंगे ये हम यहाँ पर जानेंगे। और फिर से है मतलब एक तरफ आपके कैरेक्टर हैं, दूसरी तरफ आपके नॉवेल हैं, इसको आप इस तरह से समझेंगे, कैरेक्टर हैं, देखिए यहाँ पर कैरेक्टर हैं और ये हमारे पास नॉवेल हैं। ठीक है, अब कैट किससे है, निकोलस निकलबाई से, ये एकदम राइट ऑप्शन है। फ्लोरेंस आपका डॉम्बी एंड सन से है, मिस हैविशाम आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन से है, एग्नेस आपका डेविड कॉपरफील्ड से है। इस तरह से आप इसको समझिए और इसी तरह से याद रखिए, कैट निकोलस निकलबाई, फ्लोरेंस डॉम्बी एंड सन, मिस हैविशाम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एग्नेस डेविड कॉपरफील्ड, इज दैट क्लियर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रामेटिक आयरनी,
एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ड्रामेटिक आयरनी का आप अपने में मतलब क्या डिफाइन करेंगे, क्या है ये ड्रामेटिक आयरनी, व्हाट इज द ड्रामेटिक आयरनी, अगर इस तरह से पूछा जाए तो है क्या, मतलब मीनिंग पूछा जा रहा है, इसका सही डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट। ए कैरेक्टर्स नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय व्हाट द ऑडियंस नोज और बाय द आउटकम्स ऑफ इवेंट्स। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैरेक्टर्स की जो नॉलेज है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या उनका जो भी ऑडियंस होती है वो जानती है कि आगे क्या है, और उसका जो इवेंट्स होते हैं उससे जो आउटकम निकल करके आता है उनके द्वारा, वही आपका कहलाता है ड्रामेटिक आयरनी। मतलब हमें पहले से नॉलेज, कैरेक्टर्स की नॉलेज पहले से होती है, पहले से हम एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन की, ऑडियंस जानती है, और बाद में आउटकम्स क्या निकल के आएगा पूरे घटनाक्रम का, ये सब भी ऑडियंस को पहले से ही पता होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, यही है आपका ड्रामेटिक आयरनी। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्रामेटिक आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस बाय विच ए कैरेक्टर्स नॉलेज और एक्सपेक्टेशन इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय व्हाट द ऑडियंस नोज और बाय द आउटकम ऑफ इवेंट्स। ड्रामेटिक आयरनी इज ए फॉर्म ऑफ आयरनी दैट इज एक्सप्रेस थ्रो वर्क। ड्रामेटिक आयरनी भी आयरनी की ही एक फॉर्म है। आयरनी तो आप जानते ही होंगे, मतलब व्यंग कसना, ठीक है? तो जो व्यंग्यात्मक हमारे ड्रामे होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो व्यंग कसने की ही एक फॉर्म है, और इसको अपने अपने काम के थ्रू एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना ही ड्रामेटिक आयरनी कहलाता है। ड्रामे के थ्रू जब इस व्यंग को कसा जाता है तो वो कहलाता है ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु अमंग द फॉलोइंग इज मॉन्ड इन व्हाइट मैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन। वॉल्ट व्हाइटमैन का आप तो जानते ही होंगे कि ये पूरी पोयम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो इसने पूछा कि बताइए जो वॉल्ट व्हाइटमैन की पोयम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, उसमें जो शोक व्यक्त किया जा रहा है वो व्यक्ति कौन है। इसने ये पूछा है कि वो व्यक्ति कौन था जिसके लिए शोक व्यक्त किया गया ओ कैप्टन माई कैप्टन में। पूरी पोयम तो आपको अच्छे से पता ही होगी कि ओ कैप्टन माई कैप्टन किसके ऊपर लिखी है और किस तरह से ये एक एलेजी है। अगर हम इसको देखें तो अब्राहम लिंकन के ऊपर, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उनके ऊपर ये पोयम लिखी गई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर पोयम रिटन इन 1865 बाय वॉल्ट व्हाइटमैन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा गया है कि वो कौन व्यक्ति था जिसके शोक में या जिसके मतलब जो था वो गम में ये पोयम लिखी गई, तो वो थे हमारे वॉल्ट व्हाइटमैन ओ कैप्टन माई कैप्टन। और इसके राइटर, हु वॉज द राइटर ऑफ ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो राइटर वॉज द वॉल्ट व्हाइटमैन। इस तरह करके आप इस पोएम के राइटर को याद रखेंगे। कब लिखी गई, वेन वॉज द रिटन इन, तो 1865, ठीक। दिस पोएम रिटन इन 1865 अबाउट द डेथ ऑफ अमेरिकन प्रेजिडेंट अब्राहम लिंकन। और इसके बारे में इसमें पूरा का पूरा अब्राहम लिंकन की डेथ को दिखाया, मतलब जो है इस पोएम के थ्रू बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से हमारे पास ऑप्शन आ गया है, मतलब सॉरी मैच आ गया है, तो फिर से हम मैचिंग भी देखेंगे थोड़ा। करेंटली मैच्ड आइटम्स आइडियाज विद द राइटर्स हु फर्स्ट यूज्ड पॉपुलराइज देम। आपको वो आइडियाज है, वो आइटम्स देखना है जिसने कि सबसे पहले जो हमारे राइटर्स थे उनको क्या किया, पॉपुलर कर दिया, उस सिर्फ उस टर्म के यूज़ करने से या उस आइटम्स के यूज़ करने से या उस आइडियाज़ को यूज़ करने से जो हमारे पास राइटर हैं वो मशहूर हो गए, पॉपुलर हो गए। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सोचिए कितना डीप क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो बहुत ही टफ है, नहीं इतना जो है ध्यान दे पाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हम अटेम्प्ट करेंगे। इसमें आपका द फ्रंटियर थीसिस, द फ्रंटियर थीसिस एफ जे ट्यूमर, द लॉस्ट जनरेशन गर्ट्रूड स्टैन, थर्ड स्पेस होमी भाभा, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग रेमंड विलियम्स। देखिए राइटर हमारे पास कौन है, एफ जे ट्यूमर, गर्ट्रूड स्टैन, होमी भाभा, रेमंड विलियम्स, ये हमारे पास राइटर हैं। थोड़ा देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, राइटर हैं, और ये क्या है आपके, ये है आपका आइडियाज़। इस तरह से आप देखें ये आइडियाज़ हैं और सामने हमारे राइटर हैं। इसको चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं राइटर, ठीक। ये हो गया आपका द फ्रंटियर थीसिस, एफ जे ट्यूमर है, द लॉस्ट जनरेशन गर्ट्रूड स्टैन का आइडिया, थर्ड स्पेस होमी भाभा ने लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग रेमंड विलियम्स के, और इसी टर्म्स या इसी आइटम से ये लोग क्या हुए, मशहूर हो गए, पॉपुलर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। कंसिडरिंग द स्टोरी ऑफ द नॉवल, वॉट डज द टाइटल डॉम्बी एंड सन स्टैंड फॉर।
आपसे ये पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन इज द राइट, इट सजेस्ट द चॉइस बिटवीन ए सन एंड ए डॉटर। उस स्टोरी या नॉवल को बताइए जिसमें कि व्हाट डज द टाइटल डॉम्बी एंड सन स्टैंड फॉर, जिससे डॉम्बी एंड सन इज को लिया गया है। तो आपको वो बताना था कि बताइए इस नॉवल की जो कहानी थी उसमें किसके ऊपर विचार विमर्श किया गया, डॉम्बी एंड सन पे, स्टैंड फॉर करके टाइटल था उस नॉवल का। तो इसकी स्टोरी जो कंसिडर करती है वो किस बात पर बेस है, कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि जो नॉवल की स्टोरी है वो किस बात का कंसिडर कर रही है, और टाइटल है आपके पास डॉम्बी एंड सन स्टैंड फॉर, मतलब नॉवल का नाम दे दिया गया लेकिन आपसे कंसिडरिंग स्टोरी पूछी जा रही है कि स्टोरी का कंसिडरेशन या बेस्ड क्या था। तो ये है ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इट सजेस्ट द चॉइस बिटवीन ए सन एंड ए डॉटर। इसमें ये मतलब सजेस्ट किया गया है कि बताइए कौन सी चॉइस होगी अगर एक बेटा और एक बेटी में से चुनना पड़े। तो इसमें यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया है बिटवीन ए सन एंड ए डॉटर चॉइस, ठीक है। तो ये स्टोरी जो ये नॉवल कौन था, डॉम्बी एंड सन स्टैंड फॉर, ये भी ध्यान रखिएगा, डॉम्बी एंड सन स्टैंड फॉर मतलब यानी डॉम्बी एंड सन का नाम का जो नॉवल है वो उससे लिया गया है ये स्टेटमेंट या उसमें ये कंसिडर किया गया है। तो इस नॉवल की स्टोरी किस पर बेस्ड है, इसमें अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। डॉम्बी एंड सन इज़ ए नॉवल बाय इंग्लिश नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस। डॉम्बी एंड सन नॉवल किसका है, इंग्लिश नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस का है। द नॉवल वाज फर्स्ट पब्लिश इन मंथली पार्ट्स बिटवीन 1846 एंड 1848, मतलब टू ईयर्स में के बीच में इस नॉवल को लिखा गया। दिस नॉवल सजेस्ट द चॉइस बिटवीन ए सन एंड ए डॉटर, मेजर कैरेक्टर ऑफ इस नॉवल आर मिस्टर पॉल डॉम्बी, फैनी डॉम्बी, विल्किंस, टूडल, सुजान, निपर, ईटीसी, ठीक है। इतने इसके जो हैं कैरेक्टर्स हैं, और ये जो आपसे पूछा गया था कि डॉम्बी एंड सन में बताइए कि वो कौन से दो कैरेक्टर थे, डॉम्बी और आपका जो, देखिए इस तरह से समझिए, यहाँ पर डॉम्बी एंड सन जो नॉवेल था उसकी स्टोरी किस पर कंसीडर थी या किसके ऊपर उसको विचार विमर्श करके रखा गया था और ये किस पर बेस्ड थी। तो जाहिर सी बात है आपको मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर दिया कि इट सजेस्ट द चॉइस बिटवीन अ सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर के बीच की चॉइस को लेकर के इसका कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टू नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग हु आर एसोसिएटेड विद हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक्स पूछा जा रहा है आपसे, वो कौन से दो नाम हैं जिससे कि हर्मेन्यूटिक्स, जो हर्मेन्यूटिक्स हमारे एसोसिएटेड हैं वो कौन थे, यानी वो इसके सहायक रहे या इन्होंने इसके पर काम किया, तो वो उनके बारे में बात करनी है और दो राइटर आपको बताने हैं। तो वो हैं हमारे एडमंड हुजरल फर्स्ट एंड थर्ड है, मार्टिन हेडेगर। इसमें एडमंड हुजरल एंड मार्टिन हेडेगर हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन हैं जो कि एसोसिएट हर्मेन्यूटिक्स को करते हैं। किसको करते हैं, एसोसिएट हर्मेन्यूटिक्स को करते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉम्बी एंड सन इज ए नॉवल बाय इंग्लिश नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस। सॉरी ये फिर से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच प्ले अदर देन जूलियस सीजर हैज शेक्सपियर डिपिक्टेड द रोमन्स बेटर देन द रोमन राइटर्स देमसेल्व्स हैव डन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि जो शेक्सपियर की जूलियस सीजर थी उससे बेहतर उसने अपने रोमन्स को बेटर बताया देन द रोमन राइटर्स से, ये उसके अपनी खुद का उसने ये स्टेटमेंट दिया था। तो बताइए वो क्या, मतलब कौन सी ऐसी उसके ड्रामा था, ट्रेजेडी थी, क्या था। तो कैरोलिनस थी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है, कैरोलिनस इज ए ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1605 एंड 1608। इन दिस प्ले विलियम शेक्सपियर हैड डिपिक्टेड अदर देन जूलियस सीजर, ठीक है, द रोमन बेटर देन द रोमन राइटर्स देमसेल्व्स हैव डन। तो ये बात उसने कही थी कि मतलब रोमन्स बेटर देन द रोमन राइटर्स देमसेल्व्स हैव डन, ओके। तो शेक्सपियर की कैरोलिनस थी, ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग क्लस्टर्स मैचेस द प्रोज स्टाइल दैट केम टू बी नोन एज कैरेलाइज। कैरेलाइज को अगर हम देखें तो कैपिटल लेटर्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स फ्रेजेज इन जर्मन, ये आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। पूछा जा रहा था आपसे कि क्लस्टर्स मैचेस में जो प्रोज स्टाइल का क्लस्टर मैचेस होता है उसे कैरेलिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इनमें से बताइए वो क्या है कैरेलिस के नाम से जिसको जाना जाता है, वो है आपका कैपिटल लेटर्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स फ्रेजेज इन जर्मन। एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं, द क्लस्टर्स कैपिटल लेटर्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स फ्रेजेज इन जर्मन मैचेज द प्रोज स्टाइल दैट कम टू बी नोन एज कैरेलिस, इसी को
प्रोज स्टाइल में किस नाम से जाना जाता है? कैरोलिस के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज यूफिज्म. व्हाट इज यूफिज्म? यूफिज्म सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. पॉम्पस एंड अफेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग. ठीक है, बहुत ही प्रभावशाली अगर स्टाइल है राइटिंग के लिखने का, पॉम्पस एंड अफेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो कहलाता है यूफिज्म. एक्सप्लेनेशन, ए यूफिज्म इज एन एनोक्यूअस वर्ड और एक्सप्रेशन यूज इन प्लेस ऑफ वन दैट मे बी फाउंड ऑफेंसिव और सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट. इट इज पॉम्पस एंड अफेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. यूफिज्म क्या है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे. ए यूफिज्म इज एन innocuous word or expression used in place of one that may be found offensive or suggest something unpleasant. It is pompous and affected style of writing. ये इसका एक बहुत ही affected style होता है, pompous style होता है, जिसे हम euphemism के नाम से जानते हैं. Next देखते हैं, which type of textual copy is concerned with an assessment of the physical details of the books and their exact relationship to the condition in which the book was planned to appear at the time of its initial publication. B option is the right option, ideal copy. Ideal type, अब इसमें हम B option को थोड़ा explanation देखते हैं. Ideal type of textual copy is concerned with an assessment of the physical details of the books and their exact relationship to the condition in which the book was planned to appear at the time of its initial publications. आपसे पूछा क्या जा रहा था, ये तो आप समझ ही गए होंगे. आपसे पूछा जा रहा है कि वो textual copy कौन सी होती है जिसमें कि assessment या physical details दिए रखते हैं उस books की, और इसमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप एंड कंडीशंस को बताया जाता है बुक की, कि ये बुक कब बनाई, कब लिखी गई और किस ईयर में अपीयर हुई, इसका प्लान क्या था इस बुक को लिखने से पहले, इसका टाइम क्या था, इनिशियल पब्लिकेशन कहाँ से इसको पब्लिश कराया गया. तो इसी को हम, इस कॉपी को क्या कहते हैं, टेक्सचुअल कॉपी को, इसी को हम आइडियल कॉपी के नाम से जानते हैं. बस इस तरह से आप इसे समझेंगे कि उसी को हम आइडियल कॉपी के नाम से जानते हैं और इसी को आइडियल कॉपी कहते हैं. इट इज़ द कॉल टू आइडियल कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास मैचिंग है. मैचिंग में आपसे कहा गया है करेक्ट जर्नल्स विद देयर डिस्टिंग्विश एम्स एंड मेथड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स. देखिए कुछ जर्नल्स दिए गए हैं, उसका आपको सही से मैच करना है उसके एम्स और मेथड्स को लेकर के. तो ऑब्जिडियन, ऑब्जिडियन मैच टू द फेमिनिस्ट राइटिंग. ऑब्जिडियन वर्ड मतलब किसके लिए यूज़ हो रहा है भाई, ऑब्जिडियन हो रहा है आपके फेमिनिस्ट राइटिंग के लिए. क्लियो, क्लियो हो रहा है लिटरेचर हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के लिए. ये टर्म्स हैं या इस तरह से समझिए कि ये इसके क्या हैं, इसके मेथड्स और स्कॉलरशिप्स हैं. इंटरवेंशंस, इंटरवेंशन रिलेट्स टू द पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग एंड साइंस रिलेट्स टू द लिटरेचर एंड आर्ट्स इन द अफ्रीकन डायस्पोरा. डायस्पोरा कहा जाएगा इसको, डायस्पोरा मतलब DISPORA, ये पी है थोड़ा सा, ये यहाँ से मिसप्रिंट हो रहा है, डायस्पोरा. ठीक, तो राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन हम इसी तरह से सीधा सीधा पढ़ेंगे. ऑब्जिडियन फेमिनिस्ट राइटिंग से रिलेशन रखता है ये मेथड्स, और या फिर मेथड्स ऑफ स्कॉलरशिप, हाँ सही बात है. क्लियो लिटरेचर हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री से, इंटरवेंशंस पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग से, एंड साइंस लिटरेचर एंड आर्ट्स इन द अफ्रीकन डायस्पोरा. इससे इनका आपस में ये मैच है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब अपना. नेक्स्ट हमारे पास, ही दैट इज नॉट विद अस इज अगेंस्ट अस. ही दैट इज नॉट अगेंस्ट अस इज विद अस. हु सेड दिस, ये स्टेटमेंट कब, कहाँ पर, किसने दिया, ये पूछा जा रहा है. हु सेड दिस, किसने कहा. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फ्रांसिस बेकन. द लाइन्स ही दैट इज नॉट विद अस इज अगेंस्ट अस, ही दैट इज नॉट अगेंस्ट अस इज विद अस, अपीयर इन द फेमस एसे ऑफ फ्रांसिस बेकन इन 1601 एंड टाइटल ऑफ यूनिटी इन रिलीजन. अब यहाँ से आपको जो ध्यान देना है, इसका मतलब फ्रांसिस बेकन का कोई ना कोई एसे ज़रूर आ रहा है हर साल. तो अब फ्रांसिस बेकन के इस एसे का टाइटल नाम याद रखिए कि क्या है, ऑफ यूनिटी इन रिलीजन. हो सकता है इस बार ऑफ यूनिटी इन रिलीजन के राइटर ही पूछ लिया जाए सीधा सीधा, तो आप अच्छे से बता दीजिएगा कि फ्रांसिस बेकन है, हु वाज द राइटर ऑफ यूनिटी इन रिलीजन. अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो राइटर इसकी को हम कह सकते हैं फ्रांसिस बेकन वॉज रिटन ऑफ द ऑफ यूनिटी इन रिलीजन. इज दैट क्लियर. अच्छा, कब लिखा गया अगर पब्लिशर की बात हो इस एस्से को लिखने की, या अपीयर कब हुआ, ये 1601 में ये टाइटल होता है.
बस और इसकी लाइन्स याद रखिए, ही दैट इज़ नॉट विद अस इज़ अगेंस्ट अस, ही दैट इज़ नॉट अगेंस्ट अस इज़ विद अस। तो ये हमारा स्टेटमेंट था जो कि हमारे, या ये लाइन्स थी जो कि हमें फ्रांसिस बेकन ने दी थी, और किस में दी थी, ऑफ यूनिटी रिलीजन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जैन ऑस्टिन वाज अबंडंट अनफिनिश्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, वो कौन सा नॉवेल है जिसमें जॉन ऑस्टिन ने अगर हम देखें अबंडंट अनफिनिश्ड वर्क किया, तो वो है द वॉटसन्स। जैन ऑस्टिन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द वॉटसन इनका नॉवल है। जैन ऑस्टिन 1775-1817 वॉज फेमस नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक एरा। द वॉटसन्स इज अनफिनिश्ड नॉवल ऑफ जैन ऑस्टिन। ठीक है, द वॉटसन कैसा नॉवल है, अनफिनिश्ड नॉवल है जैन ऑस्टिन का। हर अनदर नॉवल आर वेरी फेमस सच एज प्राइड एंड प्रूजूडिस, ये आपने पढ़ा होगा बीए में जरूर, प्राइड एंड प्रूजूडिस जो है वो सिलेबस में है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थहैंगर, एबे, एमा एंड परसुएशन, सबके आपके ईयर भी लिखे हुए हैं। प्राइड एंड प्रूजूडिस 1813 में आया, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में आया, नॉर्थ हैंगर अबे 1818 में आया, एमआई 1816 में आता है, परसुएशन 1818 ETC। इस तरह से आप इनके पब्लिशर भी जो ईयर हैं उनको भी याद रखिए, और साथ में आप इनके नॉवेल जो फेमस हैं उनको भी याद रखिए। और दूसरी बात, अगर बात आ जाती है अनफिनिश्ड एबंडेंट अनफिनिश्ड नॉवेल की, तो वो है द वॉटसन्स, एंड द वॉटसन्स वॉज रिटन बाय जैन ऑस्टिन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिव्यूड इन जॉर्ज ऑरवेल्स एसे इनसाइड द होएल। पूछा जा रहा है वो कौन सा वर्क है जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का एसे है इनसाइड द होएल करके, तो इस वर्क के बारे में आपको बताना है। तो हेनरी मिलर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेनरी मिलर ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो वर्क किया था उसके अंदर था इनसाइड द होएल, ये एक एसे लिखा था इन्होंने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इनसाइड द होएल इज एन एसे इन थ्री पार्ट्स रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल 1940। इनसाइड द होएल एक एसे लिखा गया जो कि थ्री पार्ट्स में डिवाइड था, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा, रिटन बाय द जॉर्ज ऑरवेल इन 1940। इट इज़ ए प्राइमरीली ए रिव्यू ऑफ हेनरी मिलर्स वर्क, हेनरी मिलर का वर्क था जिसमें इसको रिव्यू किया गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रिव्यू है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसने यही पूछा था कि वो वर्क कौन सा है जिसमें जॉर्ज ऑरवेल के जो एसे है इनसाइड द होएल उसमें रिव्यू लिखा गया है किसी वर्क का, तो उस वर्क का नाम बताइए। तो वो था हेनरी मिलर्स का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका रिव्यू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है मैचिंग, हमारे पास मैचिंग में देखते हैं, करेक्ट मैचिंग द वर्क्स विद ऑथर्स, मतलब इसमें ऑथर्स हैं कुछ और आपके वर्क है, वर्क को ऑथर से आपको मैच करना है। पहला वाला अगर हम बात करें तो हमारे पास है इमेज म्यूजिक टेक्स्ट 1977, तो ये क्या है हमारे पास, ये वर्क है और ये हमारे पास ऑथर है। ठीक है, इस तरह से समझिए, इमेज म्यूजिक टेक्स्ट 1977 में वर्क लिखा गया, रोलैंड बार्थेस ने लिखा। Why Marx Was Right 2011 में, Why Marx Was Right 2011 टेरी ईगलटन ने लिखा है ये हमारा। The Mirror and the Lamp 1953 M.H. Abrams ने लिखा। And the De Culture and Society 1958 Raymond Williams लिखते हैं। ठीक है, इमेज म्यूजिक टेक्स्ट मतलब रोलैंड बार्थेस हैं, Why Marx Was Right टेरी ईगलटन है, एंड द सी द मिरर एंड द लैम्प M.H. Abrams हैं, एंड द डी कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम्स हैं। इस तरह करके आप इसको अच्छे से लर्न रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल वॉवल्स। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि वो कौन है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था पॉपुलर और पॉपुलराइज्ड कॉन्सेप्ट को कार्डिनल वॉवल्स के। तो वो है हमारे पास डैनियल जॉन्स, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डैनियल जॉन्स। कार्डिनल वॉवल्स आर ए सेट ऑफ रेफरेंस वॉवल्स यूज्ड बाय फोनेटिशियंस इन डिस्क्राइबिंग द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। डैनियल जॉन्स इस्टेब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल वॉवल्स। कार्डिनल वॉवल्स को पॉपुलराइज करने वाले या इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करने वाले कौन थे, डैनियल जॉन्स थे। बस यही तो पूछा गया था आपसे कि वो कौन थे जिन्होंने इस वॉवल कार्डिनल वॉवल्स को के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था। ही रॉट द वैल्यूज ऑफ कार्डिनल वॉवल्स कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम रिटन डिस्क्रिप्शंस, दे शुड बी लर्न बाय ऑरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए टीचर हु नोज देम। तो उनका कहना ये था कि ये एक टीचर को इंस्ट्रक्शन देते हुए वो सिखाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, और इससे जो है डिस्क्रिप्शन में अगर बात की जाए तो इस वॉवल्स का यूज़ नहीं किया जाता, जबकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और टीचर को इसके बारे में पता होना ही चाहिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्लेटोज बिलीव्स एक्ट्स वॉज शैली काउंटरिंग बाय सेइंग दैट पॉइंट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ मैनकाइंड। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रिफरेंस फॉर लेजिस्लेचर्स ओवर पॉइट्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब आपको ये समझ आएगा, क्लियर होगा। शैली काउंटरिंग बाय सेइंग दैट पॉइट्स आर द, देखिए शैली ने ये बात कही थी, पॉइंट्स आर द अन एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ मैनकाइंड इन हिज फेमस क्रिटिकल वर्क। ये इनका एक फेमस क्रिटिकल वर्क है जिसमें ये पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर इन्होंने लिखा, इन अ डिफेंस ऑफ पोइट्री रिटन इन 1821, ठीक है, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्थमसली इन 1840 इन एसेज लेटर्स फ्रॉम अब्रॉड ट्रांसलेशन एंड फ्रेगमेंट्स बाई एडवर्ड मॉन्क्सन इन लंदन। दिस एसे वॉज रिटन इन रेस्पॉन्स टू हिज फ्रेंड थॉमस लव पिकॉक्स आर्टिकल द फोर एजेस ऑफ पोइट्री पब्लिश्ड इन 1820। शैली नॉमिनेटेड अनलाइकली फिगर्स सच एज प्लेटो एंड जीसस इन देयर एक्सीलेंट यूज ऑफ लैंग्वेज टू कंसीव द इनकंसीवेबल इन प्रिफरेंस फॉर लेजिस्लेचर्स ओवर पॉइट्स। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि शैली ने ये शैली को जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स ये है ना, बाय सेइंग द पॉइंट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ मैनकाइंड इन हिज फेमस क्रिटिकल वर्क, ये लिखा गया इन अ डिफेंस ऑफ पॉइट्री रिटन इन 1821 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्थमसली इन 1840 में ये पब्लिश होता है, और ये एसेज हैं सब लेटर्स फ्रॉम अब्रॉड ट्रांसलेशन फ्रेगमेंट्स बाय एडवर्ड मॉन्क्सन इन लंदन। This essay was written in response to his friend Thomas Law Peacock's article, The Four Ages of Poetry, published in 1820. Shelley nominated likely figures such as Plato and Jesus in their excellent use of language to conceive the inconceivable in preference for legislatures over poets. चलिए next देखते हैं अब अपना question. Next question is, which of the following poets does William Hazlitt call Don Quixote like in his essay, My First Acquaintances with Poet? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जो ये पॉइट हैं जिन्होंने विलियम हेजलिट को डॉन क्विक्ज़ोट की तरह, डॉन क्विक्ज़ोट लाइक के नाम से अपने एस्से में पुकारा, तो वो कौन से पॉइट थे हमारे, वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माई फर्स्ट एक्वेंटेंसेज विद पॉइट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1823 इन ए शॉर्ट लिव्ड बट ए हाईली सिग्निफिकेंट पीरियडिकल ऑफ द रोमांटिक एज बाय विलियम हेजलिट। In this essay, William Hazlitt calls William Wordsworth Don Quixote-like. Don Quixote is a Spanish novel by Miguel de Cervantes. तो इस तरह करके आप इसको समझेंगे कि ये जो My First Acquaintance with Poets था, ये पब्लिश होता है 1823 में। ये एक शॉर्ट लाइव्ड बट ए हाईली सिग्निफिकेंट पीरियडिकल ऑफ द रोमांटिक एज बाय विलियम हेजलिट। विलियम हेजलिट ने इसे एक बहुत ही उचित रूप में और पीरियडिकल रोमांटिक एज के जो था थोड़ा सा पार्ट उसका लेकर के इसमें लिखा, और इस एस्से में विलियम हेजलिट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को डॉन क्विक्ज़ोट लाइक के नाम से पुकारा, और डॉन क्विक्ज़ोट जबकि एक स्पेनिश नॉवल था जो कि माइगुएल डी कर्वेंट्स के द्वारा लिखा गया। चलिए अब इसी के साथ आपके सारे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे आज के वो डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी तरह से आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और इसी तरह आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराते रहेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा कि वो हमारे पोएट्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ, और आप इसी तरह इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कम्प्लीट करते रहिए, इसी तरह प्रैक्टिस सेट लगाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अब हमारे पास नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है समझने में या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिख सकता है, मैं उसको एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू कर सकती हूँ। तो लिहाजा आप लोग इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिए, और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल पर जुड़े और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।